नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सूचियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर बीते कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। इस्तीफे का ऐलान करते वक्त येदियुरप्पा भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वे हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। इस्तीफे के ऐलान के बाद येदियुरप्पा राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को भी हंगामा हुआ और शोर शराबे के कारण कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी के मामले को उठाया। हंगामे की वजह से राज्यसभा को 12 बजे और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भी संसद के दोनों सदनों में कई बार हंगामा हो चुका है और इस वजह से कामकाज नहीं हो सका। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज को लगातार उठा रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही पंजाब कांग्रेस के कुछ सांसद भी मौजूद रहे। बता दें, संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं और इसके जरिए वे केंद्र सरकार पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी के इस कदम से कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। राहुल गांधी के संसद पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा के घर में सोमवार सुबह ही दिल्ली पुलिस के कई अफसर पहुंच गए। अलका लांबा ने घर से फेसबुक लाइव कर बताया कि पुलिस ने उनसे कहा है कि वह जंतर मंतर पर महिला किसान संसद में हिस्सा लेने ना जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या है। लांबा ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों की आवाज़ को उठाती रहेगी। ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगाकर रहेंगे। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे वीके जैन और ईडी के अधिकारी भी उन लोगों में शामिल हैं जो पेगासस स्पाइवेयर के निशाने पर थे। द वायर ने पेगासस प्रोजेक्ट की अपनी ताजा रिपोर्ट में इनके नामों के खुलासे किए हैं। वीके जैन उस मामले से जुड़ रहे थे जिसमें आम आदमी पार्टी के दो विधायकों द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमला किया गया था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा जैन से पूछताछ भी की गई थी। वह इस मामले में गवाह थे, वह केजरीवाल के करीबी भी थे। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल जांच का नेतृत्व करने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को एनएसओ ग्रुप के एक भारतीय ग्राहक द्वारा निगरानी के लिए चुना गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि न केवल सिंह के दो नंबर शामिल थे बल्कि उनके परिवार की तीन महिलाओं से संबंधित चार नंबर भी शामिल थे। इसमें उनकी पत्नी और बहन भी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में पहले काम कर चुके पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी वीके जैन व ईडी अफसर के अलावा दूसरे सरकारी अधिकारी भी पेगासस के निशाने पर थे। लीक हुए रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और नीति आयोग के कम से कम एक एक अधिकारी के नंबर भी हैं। भारत की सीमा में फिर से चीनी घुसपैठ का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार कुछ सीनियर सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में चारडिंग नाला के करीब भारतीय इलाके में अपने टेंट लगा दिए हैं। अधिकारियों ने इन टेंट में रहने वाले लोगों को तथाकथित नागरिक बताया। साथ ही कहा कि इन लोगों को भारत की ओर से वापस जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत के हिस्से डेमचौक में चीनी टेंट की खबर को ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने लिखा है कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि चीन से कैसे निपटा जाए। आज उनकी हरकतों को नज़रअंदाज करने से भविष्य में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। तत्कालीन थलसेना अध्यक्ष वीपी मलिक ने कहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कारगिल विजय दिवस के मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये कहा।
22 साल पहले यानी 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ कर चुपके से ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जहां से उसे हटाने के लिए भारतीय सेना को कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसमें दोनों ही सेनाओं के लोग मारे गए थे। जनरल वीपी मलिक उस समय थल सेना प्रमुख थे और केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के प्रयास चल रहे हैं? पिछले दो दिनों में कम दो घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे इस तरह के कयास लगाए जाने लगे। शनिवार को झारखंड की गठबंधन सरकार को कथित तौर पर गिराने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और रविवार को कांग्रेस के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार को गिराने के लिए अज्ञात लोगों ने कई बार उनसे संपर्क किया और 1 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की। हालांकि गठबंधन सरकार में शामिल दलों के दूसरे नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हालांकि गठबंधन सरकार में शामिल दलों के दूसरे नेताओं से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार है। भारत में पिछले एक दिन में 39,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 416 लोगों की जान गई है। इस दौरान केरल में 17,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए तो महाराष्ट्र में करीब 7,000 मामले आए हैं, जिसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या फिर से बढ़ चली है। अभी सक्रिय मामले 411,000 से अधिक हो चुके हैं, इनमें से 140,000 तो केवल केरल से हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।